गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपके साथ कि आने वाले मंडे से 5 जुलाई से आपके लिए डेली एक छोटा सा प्लानिंग वीडियो डालूंगा कि आपको पर डे कितनी तैयारी करनी है, तो आज आपको क्या पढ़ना है अपनी बुक्स से उसकी एक शॉर्ट समरी यहाँ पर आप देखेंगे। जहाँ तक बात है बुक्स की, तो आपने लिटरेचर का सेकेंड वॉल्यूम और ग्रामर, जो कि आज हर जगह अवेलेबल होगी, लगभग अधिकतर जिलों में अवेलेबल होगी, आज ऑफलाइन भी, ऑनलाइन तो अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको आप अरेंज कर लेंगे। लेकिन अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं उन पेजेस के जो आपको स्टडी करना है, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये मेरी बुक्स के कवर पेजेस हैं, इन्हीं बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी बुक में कोई टाइपिंग एरर है, कुछ भी हो, तो आप इन स्क्रीनशॉट्स को देखकर उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि ये वो मैटर रहता है जो मैं पब्लिशर को भेजता हूँ, तो ये मैटर करेक्ट रहता है। वहाँ पर बुक सेट वगैरह करने में इधर उधर मैटर हो जाता है, तो आप इसको देख लें और अगर कहीं कोई लाइन या कुछ भी गड़बड़ है तो उसे आप करेक्ट कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लिटरेचर के सेक्शन के बारे में, जो सेकंड वॉल्यूम है टीजीटी का और पीजीटी का। मैं दोनों एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं दोनों एग्ज़ाम्स में, आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट की के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, उस सब्जेक्ट की फाउंडेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फाउंडेशन तभी अच्छी होगी उस सब्जेक्ट की जब आप उस सब्जेक्ट के रूट्स के बारे में जानते हैं। इंग्लिश लिटरेचर को जानने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है उस लिटरेचर के एजेस का डिवीज़न आपको पता होना चाहिए कि जो लिटरेचर है फ्रॉम द टाइम इट हैज़ बिगन, जब से इसकी शुरुआत हुई है उससे अब तक, इसको कितने सारे सेक्शन, कितनी सारी एजेस में बांटा गया है, उन एजेस का डिवीज़न किस बेसिस पे किया गया है ये आपको पता होना चाहिए, उनके ईयर्स आपको पता होने चाहिए, और उन एजेस में कौन कौन इम्पोर्टेंट राइटर था, इसके बारे में आपको जानकारी पूरी तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ये जो एजेस का डिवीजन है दिया हुआ, डार्क एज से लेकर और पोस्ट मॉडर्न एज तक, ये आपको लर्न करना है। इसमें आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ एक कंफ्यूजन होगा लास्ट में आके जब आप देखेंगे कि 1901 से 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग तक, और फिर आप नीचे देखेंगे तुरंत जॉर्जियन पीरियड 1910 से। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एडवर्ड और जॉर्जियन पीरियड है ये राजाओं के आधार पर है, लेकिन 1910 में जॉर्जियन पीरियड नो डाउट बिगिन हो गया था किंग जॉर्ज फाइव के साथ, लेकिन एडवर्डियन एज के जो फीचर्स थे पोइट्री के और लिटरेचर के, वो 1910 के बाद भी कंटिन्यू रहे और वो 1914 तक कंटिन्यू रहे, इसीलिए एडवर्डियन पीरियड को 1914 तक कंसिडर करते हैं। और ये जो एजेस का डिवीजन है एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ से लिया गया है, तो आप बिल्कुल इसको अनडाउटेडली लर्न कर लें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद जो मेजर इवेंट्स हैं आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, वो दिए गए हैं यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहली एज जो है आपकी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कौन कौन से वर्क इंपॉर्टेंट थे वो आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट थी ये याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, यहाँ पर एक इपिक के बारे में लिखा है, ओल्ड इंग्लिश इपिक, वो बियोवुल्फ के नाम से, जिसके राइटर को एनोनिमस है, नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन इस इपिक का नाम आपको पता होना चाहिए, ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके बाद ये मिडिल इंग्लिश पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, इसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स आपको पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जॉफ्री चाउसर इसी एज के थे, और जॉफ्री चाउसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, और कुछ बुक्स में उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज सच भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। इसके साथ ही मैं आपको धीरे धीरे करके नीचे आना है, और जब एलिजाबेथन एज पे आपको आ जाना है, तो एलिजाबेथन एज में आपको शेक्सपियर के बारे में जानना है, आपको क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जानना है, आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में जानना है, और यूनिवर्सिटी विट्स को यूनिवर्सिटी विट्स नेम किसने दिया ये आपको जानना है, आपको थिएटर्स के बारे में जानना है, शेक्सपियर का किस थिएटर में शेयर था, ग्लोब थिएटर, बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है। इसके बाद आपको किंग जेम्स बाइबल के बारे में जानना है,
और किंग जेम्स फर्स्ट का जो रूल था 1603 से 1625 तक, इसी बीच में उन्होंने बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया था और उसको अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहा जाता है जो 1611 में आया था। वो आपको पढ़ना है, उसके बारे में आपको जानना है, आपको कैरोलाइन एज के बारे में जानना है जो 1625 से 1649 के बीच थी, चार्ल्स फर्स्ट उस समय रूल कर रहे थे। आपको ये भी जानना है कि इस एज में दो तरीके की पोइट्री लिखी गई कैरोलाइन एज में, एक पोइट्री तो मेटाफिजिकल पोइट्री थी और दूसरी लव लिरिक्स थे, लिरिकल पोइट्री थी। तो आपको उस सब के बारे में जानना है। फिर आपको कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में जानना है जो 1649 से बेसिकली बिगिन होता है, और रेस्टोरेशन पीरियड जो 1660 में बिगिन होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत कब होती है, तो रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत 1660 में होती है क्योंकि हालात इंग्लैंड के बहुत ख़राब थे, यहाँ पर कोई किंग नहीं था, तो फ्रांस से ये चार्ल्स सेकेंड को लेकर आए थे और वो इंग्लैंड के राजा बने 1660 में। तो ये उम्मीद की जाती थी कि अब सब कुछ रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर मीन्स रीस्टोर हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसीलिए वहाँ से माना गया कि रेस्टोरेशन एज की शुरुआत होती है 1660 से। तो आप ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ना है उस समय, और रेस्टोरेशन पीरियड के बाद आपको जॉन ड्राइडन के बारे में जानना है कि जॉन ड्राइडन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एरा, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। इसके बाद में आपको न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में जानना है। न्यू क्लासिकल पीरियड जो बेसिकली 1700 से 1745 तक कंसीडर किया जाता है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोइट थे उनका नाम था अलेक्जेंडर पोप, उनके बारे में जानना है। उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन है, वर्क ऑफ आर्ट है, रेप ऑफ द लॉक, उसके बारे में जानना है, आपको पता होना चाहिए। मैंने अपनी बुक में एक बुक्स की लिस्ट दी है कहीं पर, आप देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, कौन के कौन कौन से ऑथर्स हैं, उसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसी में से मैंने बोला ये आपको कि अलेक्जेंडर पोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि मॉक एपिक है। फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1798 तक है, रोमांटिक एज से जस्ट पहले तक, प्री रोमांटिक एरा भी आप कह सकते हैं एक तरीके से। और इस समय के जो सबसे इंपॉर्टेंट पोइट थे, राइटर थे, वो थे डॉक्टर जॉनसन, इसीलिए उनके नाम के आधार पर से एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में रोमांटिक पीरियड है जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, जॉन कीट्स हैं, पी बी शैली हैं, चार्ल्स लैम हैं। आप टीजीटी पीजीटी में इनको पढ़ते हैं, टीजीटी में दो आप पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को, और पीजीटी में आप बाकी सारे राइटर्स को पढ़ते हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया। इसके बाद में आप दो चीज़ें और जानेंगे जब आप रोमांटिक एज के बाद में पढ़ेंगे विक्टोरियन एज को, तो विक्टोरियन एज में दो इंपॉर्टेंट बहुत मूवमेंट्स हुए, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक था प्री रेफलाइट मूवमेंट जो कि 1848 के अराउंड कहीं शुरुआत होती है उसकी, और दूसरा है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं विक्टोरियन एज के, और इनके बारे में जानना आपको एकदम मस्ट है। साथ ही में एक एस्थेटिसिज्म जिसकी एक स्लोगन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है, आर्ट फॉर आर्ट से, और ये स्लोगन एस्थेटिसिज्म से जुड़ा हुआ है, डेकेडेंस मूवमेंट से जुड़ा है। ये मूवमेंट ये बिलीव करता था कि लिटरेचर इज ऑलवेज फॉर द सेक ऑफ आर्ट, इसका लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन सिर्फ इंजॉय करो और जो रीडर्स हैं उनको फन इंजॉयमेंट प्रोवाइड करना होता है, कोई मैसेज देना, उनकी लाइफ को बदलना, मॉरल उपदेश देना, ऐसा लिटरेचर का कोई पर्पस नहीं होता है। सो आर्ट इज फॉर द सेक ऑफ आर्ट वन, इसीलिए इस इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में जानना है। फिर मॉडर्न पीरियड के बारे में जानना है, मॉडर्न पीरियड में टी एस एलियट एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, डब्ल्यू एच ऑर्डन हैं, डब्ल्यू बी ईट्स हैं, और जी बी शॉ हैं जो पी जी टी में हैं, इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर एडवर्डियन एज जैसा कि आपने ऊपर पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आप पढ़ लीजिए, जॉर्जियन पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है जिस समय किंग जॉर्ज फाइव रूल कर रहे थे। इन सारी चीज़ों से होते हुए आप एक छोटा सा कंसेप्ट और डेवलप करें, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये दो चीज़ें क्या हैं।
इसके बारे में बुक में छोटा सा डिटेल में दिया है, और इस समय हमें लगता है जिस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं इतना पर्याप्त है अगर आप जान जाते हैं इन चीज़ों के बारे में। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी हैं यहाँ पर, जैसे डोस्टोयेवस्की की है क्राइम एंड पनिशमेंट, वॉल्ट विटमैन की है लीव्स ऑफ ग्रास जो कि पीजीटी के सिलेबस में भी है एक तरीके से, कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल, चार्ल्स डार्विन की है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं जिनका मॉडर्न एज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो आप इन चीज़ों के बारे में जान लें, और द मिथ ऑफ सिसिफस इसके बारे में भी आप जान लें। एक टर्म है जो कि मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज में से बहुत जुड़ा है, बेसिकली पोस्ट मॉडर्न एज से बहुत जुड़ा है, और वो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में आप पढ़ लें, थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म कहाँ क्वाइन हुआ, कैसे क्वाइन हुआ, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्टिन एस्लिन ने ये टर्म 1960 में क्वाइन किया था अपने एसे में, और उसे एसे का नाम था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। और इसका एक रिलेशन द मिथ ऑफ सिसिफस से भी है, कोमस का जो एक एसे था वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब इन चीज़ों को पढ़ते हुए आप आगे बढ़ते चले आएँ, और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है वो है सैमुअल बकेट का, और उसका नाम है वेटिंग फॉर गोदो। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीज़ें आप जान लेते हैं लिटरेचर के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आप जान लेते हैं, तो आप मान लीजिए आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी, और आप आगे की पढ़ाई जो करेंगे तो आप उसको एज में डिवाइड करके देख पाएंगे। जैसे ही आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एरा, और उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको पता होगा एलिजाबेथन एरा बिगिंस इन 1558 व्हेन क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड टू द थ्रोन, जब क्वीन एलिजाबेथ रानी बनी थी, वहां से हम एक मोटा मोटा डिवीजन मान लेते हैं एलिजाबेथन एज की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पोइट्स को एजेस में रखना आ जाएगा कि कौन सा पोइट किस एज को बिलोंग करता है, इसीलिए ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, हालांकि मैंने ऊपर थोड़ा सा जिक्र किया वो प्री रेफ्लाइट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ये सब लिखकर, लेकिन अब आपको बेसिकली कौन कौन सी चीजें जाननी है लिटरेरी मूवमेंट्स में, इनके बिना आप लिटरेचर की समझ डेवलप कर ही नहीं सकते हैं कि लिटरेचर में कौन कौन से मेजर मूवमेंट्स हुए। और मूवमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये मूवमेंट्स लिटरेचर की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं कि अब लिटरेचर किस एंगल से लिखा जाएगा, किस तरफ लिखा जाएगा, क्या चीजें मेन प्रिवेल करेंगी लिटरेचर में। तो सबसे पहले आपको रनेशा के बारे में जानना है, और रनेशा की डेफिनेशन एग्जाम्स में बहुत आती है, और लिखा होता है रनेशा क्या है, व्हाट इज रनेशा। तो आप जानते हैं रनेशा रिफर्स टू द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ज्ञान के पुनर्जागरण को, रिवाइवल मीन्स रीबर्थ, इसको हम रनेशा कहते हैं। और रनेशा की शुरुआत जो थी वो इटली के फ्लोरेंस शहर में हुई थी 14th सेंचुरी में, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि रनेशा इटली से बाहर कैसे स्प्रेड हुआ इसकी, कि 1453 में 1453 में टर्की जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय, उस टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक कर दिया था, और जिसकी वजह से वहाँ के जो सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स थे वो अपनी अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को इकट्ठा करके वहाँ से दूसरे कंट्री के लिए फ्लू अवे हो गए, जहाँ उन्हें शेल्टर मिली और जहाँ उन्हें लगा कि हम सुरक्षित हैं। उन देशों में जाकर उन्होंने बताया कि उनके पास कितना ज्ञान है, उनकी बुक्स में कितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। इसी से जुड़ी हुई एक घटना है इंग्लैंड की, आप जानते होंगे कि 1476 में 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की गई थी जो विलियम कैक्सटन ने की थी, और इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में बाकी सारी देशों में उनकी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स का ट्रांसलेशन बहुत आसानी से होने लगा और उसको प्रिंट किया जाने लगा ताकि कॉमन मासेस तक बुक्स पहुंच सकें और रनेशा का इम्पैक्ट आ सके। इसलिए आप जानते हैं कि रनेशा की शुरुआत इंग्लैंड में थोड़ी सी लेट हुई, और इंग्लैंड में 16th सेंचुरी की बिगिनिंग में रनेशा की शुरुआत हुई, और रनेशा को जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क था इंग्लैंड के अंतर्गत, इंग्लिश में नहीं इंग्लैंड के अंतर्गत, वो था यूटोपिया बाय टॉमस मोर जो 1516 में आया था, लेकिन वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा था। फिर 1551 के अराउंड उन्होंने खुद उस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, टॉमस मोर ने ही। तो यहाँ से रनेशा की शुरुआत होती है 16th सेंचुरी की बिगिनिंग से इंग्लिश लैंग्वेज में, अर्थात इंग्लैंड में। तो आपको रनेशा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आपको
ह्यूमनिज्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, इसमें आपको हर चीज़ समझ आएगी, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा बहुत ईजी सी लैंग्वेज में। ये नोट्स आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद में जब आप रनिशा को पढ़ लेंगे तो आप रिफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि रिफॉर्मेशन भी एक मूवमेंट था जो रिलीजन से जुड़ा हुआ था, और रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है, हिंदी में कहूँ तो धर्म सुधार आंदोलन था, जो कि 1516 में जर्मनी में बिगिन हुआ था मार्टिन लूथर के द्वारा। और मार्टिन लूथर बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने डॉक्टरेट अपनी एक रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च का जो टॉपिक था वो उसने जो लिखा उसका नाम था थीसिस, THESIS करके कुछ ऐसी स्पेलिंग थी। तो उसने जो थीसिस लिखा, रिसर्च लिखा अपना, उसमें ये लिखा कि हमारे रिलीजन में क्या क्या कमियां हैं और इन कमियों को रिलीजन से दूर किया जाना चाहिए, नहीं तो रिलीजन बहुत लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस समय धर्म का इतना ज़्यादा रोल था इंसान की लाइफ में कि वो इंसान बंद गया था पूरी तरीके से, ही वॉज फ्री नो बियर, हर जगह वो धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। अब ये उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसने थीसिस में लिखी, उनको बताने का तो समय नहीं है, नहीं तो मुझे लगता है एक आध घंटा गुजर जाएगा, क्योंकि रिफॉर्मेशन मूवमेंट पर लेक्चर जब क्लास में लेता हूँ तो एटलीस्ट एक पीरियड लग ही जाता है, बहुत कट शॉर्ट करता हूँ इसके बावजूद भी। तो आप रिफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, रिफॉर्मेशन की क्या क्या बेसिकली फीचर्स थे वो आप जानेंगे, रिफॉर्मेशन मूवमेंट के यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा इससे। इसके बाद में आप जो रिफॉर्मेशन पढ़ लेंगे तो आप मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में ज़रूर पढ़ें, और मेटाफिजिकल पोइट्री आप जानते हैं एलिजाबेथन एज के बाद की जो एज थी, जिस समय जैकोबियन एज चल रही थी और कैरोलाइन एज चल रही थी। तो बेसिकली कैरोलाइन एज के टाइम में ये पोइट्स बहुत पॉपुलर थे, और मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्स, ये एग्जाम में आता ही आता है, ऐसे मान के चलिए कि मेटाफिजिकल पोइट्स ये टर्म किसने कॉइन किया। तो मेटाफिजिकल पोइट्स ये जो टर्म है ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया था, उनकी एक बहुत ही वह पॉपुलर वर्क है जब वो लिख रहे थे ऑन अब्राहम काउले, एक बुक थी उनकी लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, इसी बुक में एक चैप्टर था जो चैप्टर था अब्राहम काउले पर, और अब्राहम काउले के बारे में आप जानते हैं वो बहुत ही पॉपुलर ओड राइटर हैं। तो उन्हीं पर जब ये चैप्टर लिख रहे थे तब उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स टर्म का जिक्र किया। हालांकि एक और टर्म है जो इससे जुड़ा हुआ है जो जॉन डन का है, जॉन डन ने कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये भी एग्जाम में बहुत आता है कि किसने कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। और एक चीज़ और जान लीजिए, मॉडर्न एज में आकर T.S. एलियट ने एक ऐसे लिखा ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स करके उसका नाम था, उसमें भी उन्होंने इन राइटर्स को बहुत अप्रिशिएट किया, मेटाफिजिकल एज के जो राइटर्स थे द मेटाफिजिकल पोइट्स ऐसे में। तो वो चीज़ भी आपको बहुत जाननी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने मॉडर्न एज में एक ऐसे लिखा द मेटाफिजिकल पोइट्स और मेटाफिजिकल पोइट्री और पोइट्स की बहुत अप्रिशिएट किया। इस एज के जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर थे जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्स, वो आपको जानना, उनका नाम बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आप जानते हैं जहाँ से रेस्टोरेशन एरा बिगिन होती है वहीं से एक नया मूवमेंट, एक नया टर्न आता है, वो आता है क्लासिसिज्म का। अर्थात ये राइटर्स जो थे अब फॉलो करने लगे क्लासिकल रूल्स का, जो कि ग्रीक लिटरेचर में, रोमन लिटरेचर में लेट डाउन किए गए थे कि लिटरेचर लिखने के ये नियम होने चाहिए। अब ये राइटर्स उन सारे रूल्स को फॉलो करने लगे, इसीलिए यहाँ से क्लासिकल एज की शुरुआत हो जाती है। और 1700 के बाद तो हालात यहाँ तक आ गए थे कि उसे स्यूडो क्लासिकल एज कहा जाता है, वो लोग इतने ज़्यादा चिपक गए थे क्लासिकल राइटिंग के रूल से, और ये बिलीव करने लगे थे कि दे आर राइटिंग द बेस्ट काइंड ऑफ पोइट्री एंड देयर इज द बेस्ट एज ऑफ लिटरेचर। इसीलिए बहुत सारे क्रिटिक्स ने बाद में उसको स्यूडो क्लासिकल एज कह दिया था कि ये क्लासिकल एज ना होकर एक छद्म, एक दिखावा, एक झूठ ही सी क्लासिकल एज है। और अब जानते होंगे न्यू क्लासिकल एज में जो पोइट्री लिखी गई उन सब ने एक ही मीटर अपनाया, हीरोइक अप्लाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जानेंगे ये क्लासिसिज्म है, क्लासिकल एज की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इंग्लैंड में आया क्लासिकल एज के, क्या क्या रूल्स थे, ड्रामा में 3 यूनिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें आप जानेंगे।
ट्रेजिडी लिखने के क्या रूल्स थे जो एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स में बनाए थे। और एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स में जो ट्रेजिडी की डेफिनेशन दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। और एरिस्टोटल ने कहा था, अगर मुझे याद आए तो, ट्रेजिडी इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज इम्बेलिस्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स एंड थ्रू द फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर ब्रिंगिंग अबाउट द कैथारसिस ऑफ दीज और सच इमोशंस। ऐसी डेफिनेशन दी थी। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इस डेफिनेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, अर्थात डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन आपको आना बहुत जरूरी है। कभी मेरा एक वीडियो है पड़ा हुआ एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, वहाँ पर मैंने इस डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो प्लॉट के बारे में पूछ लेते हैं, सिंपल प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या है, प्लॉट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। कैथारसिस क्या है, प्यूरिफिकेशन पर्गेशन ऑफ इमोशंस, ये सारा उसमें दिया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एरिस्टोटल से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ आपको उस वीडियो पूरी हेल्प कर देगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको रोमांटिक एज की फीचर्स मिलेंगे, सारी विशेषताएं मिलेंगी कि रोमांटिक एज की क्या क्या विशेषताएं थी, उस पोइट्री में क्या क्या स्पेशल था और रोमांटिक एज की शुरुआत। आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का जो ज्वाइंट एफर्ट था लिरिकल बैलेट्स का 1798 में पब्लिश हुआ, और इसी को एक मैनिफेस्टो मान लिया गया कि यहाँ से ही रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई। हालांकि रोमांटिक फीचर्स पहले भी पोइट्री में पाए जाते थे, रॉबर्ट बर्न्स वगैरह की पोइट्री में, थॉमस ग्रे की पोइट्री में, विलियम ब्लेक की पोइट्री में, इसीलिए इनको प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज कह दिया गया, जिसमें रॉबर्ट बर्न्स थे, थॉमस ग्रे थे, विलियम ब्लेक थे। लेकिन 1798 से मान लिया गया कि अब रोमांटिक एज की शुरुआत हो चुकी है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न, इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन भी था जिसमें वो लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, और जो रोमांटिक एज के राइटर्स थे वो इस स्लोगन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रोमांटिक एज की डेफिनेशंस वो आपको लर्न करनी है, इस बुक में दी गई हैं, जिसमें विक्टर ह्यूगो की डेफिनेशन है लिबरलिज्म इन लिटरेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गेटे ने जो कहा था कि रोमांटिसिज्म इज डिजीज, क्लासिसिज्म इज हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वॉल्टर पेटर की डेफिनेशन बहुत सारे एग्जाम्स में आई है, एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ये सारी चीज़ें आपको जाननी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस नहीं करिए, आप इसको देखते रहिए, आप इसको लर्न करते रहिए, आप इसको नोट डाउन करते रहिए। रोमांटिक एज की सारी विशेषताएं दी गई हैं कि कैसे इस एज में लव फॉर नेचर था, इंटरेस्ट इन द ह्यूमैनिटी था, सब्जेक्टिविटी था, ये सारी चीज़ें, रिटर्न टू नेचर था, सिंप्लिसिटी टू लाइफ, ये सारी चीज़ें था। इसके बाद में आप रोमांटिक एज के बाद में आप विक्टोरियन एज पर आ जाएं, और विक्टोरियन एज में आप प्री रेफलाइट पोइट्री के बारे में पढ़ें, अब डी जी रोसेटी और उनका जो ब्रदरहुड वो सब था उसके बारे में आप पढ़ें डिटेल में। इसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ें तो आप मॉडर्न एज के बारे में, अब मॉडर्निज्म क्या था, मॉडर्न एज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, कौन से क्रिटिक्स थे, कौन से स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या ऐसा लिखा कि मॉडर्न एज के फीचर्स एकदम चेंज हो गए। इसमें सिगमंड फ्राइड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक नीत्से का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी वर्गसन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉवलिस्ट हैं जैसे डोरोथी रिचर्डसन हैं, जेम्स जॉयस हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, इनके नेम्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि जेम्स जॉयस जो कि आयरिश राइटर थे, और एक ही समय, अब बेसलैंड का पब्लिश हुआ आप जानते हैं 1922 में पब्लिश हुआ, बेसलैंड जिस साल पब्लिश हुआ उसी साल जेम्स जॉयस का एक नॉवल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्शन था, यूलिसीज, वो भी उसी वर्ष पब्लिश हुआ। अब वर्जीनिया वुल्फ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल था, आप देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली तुरंत चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं, वो भी उसी ईयर पब्लिश हुआ था। ये थ्री इंपॉर्टेंट बुक्स एक साथ पब्लिश हुए थे, धूम मच गई वहाँ से, और वहाँ से एक तरीके से ये मान लिया जाता है कि हाई मॉडर्निज्म की शुरुआत हो गई 1922 से। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आप पोस्ट मॉडर्न इसकी सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ लें, यहाँ मेटाफिक्शन क्या है, और ये मेटाफिक्शन एग्जाम में आ चुका है कि ये टर्म किसने क्वाइन किया था और कैसे, तो इसमें जो क्वाइनेज वाला है उसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है, आप उस चीज़ को ढंग से पढ़ लें, ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में आप एम सी क्यू जो लगे हुए,
और इन एमसीक्यूज के साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इस एक्सप्लेनेशन को आप जरूर पढ़ें। बहुत सारी बुक्स ऐसी होंगी जो पहले पब्लिश हो गई थी, उनमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है, तो उन दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ें और कहीं भी किसी भी तरीके की कोई एरर है तो उसे करेक्ट कर लें प्लीज़। ये मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इन एमसीक्यूज़ के, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ऑलरेडी। आप इन सारे एमसीक्यूज़ को बढ़ाते जाएँ, स्टॉप कर लें जहाँ ज़रूरत हो और आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जान लेंगे, और आज मैंने एमसीक्यू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के केवल प्री रोमांटिक एज तक दिए हैं, तो आप वहां तक इस चीजों को बिल्कुल तैयार कर लें। जब आप इतनी चीजें तैयार कर लेंगे तो आपका आज का कोटा जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का है, वॉल्यूम सेकेंड पढ़ने का है, उतना कोटा आज आपका पूरा हो जाएगा। और इतना पढ़ने के बाद आप इस चीज को रिवाइज कर लें। रिवाइज करने का मतलब है कि आपको जैसे ही मौका मिले दिन में अब उस चीज को फिर से पढ़ने, अगर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो। और इतना अगर आपने पढ़ लिए, 20-25 पेजेस आज तैयार कर लिए, तो मुझे लगता है आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये और ध्यान रखिए, जब मैं कहता हूँ पढ़ लिए तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको लर्न करना है, आपको मेमोराइज करना है, आपको वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है। आपको ऐसा लगना चाहिए यार ये सब तो मुझे एकदम रट गया है, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब समझ में आ गया है। और रटने से ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को समझना। आप अपना एक मैप ब्रेन में अलग तरीके का, हर किसी का ब्रेन अलग तरीके से वर्क करता है, हर किसी का मैप भी अलग तरीके से वर्क करता है, तो आप उस मैप के हिसाब से चीज़ों को अपने ब्रेन में सेट करिए कि ये ऐसे एज है, इसके बाद ये ऐसे है, इसके बाद ये ऐसे है, इस एज का ये राइटर है, इस एज का ये राइटर है, इस एज में ये इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। ये पूरा एक मैप चार्ट बना के दिमाग तैयार कर लीजिए, अपनी नोटबुक पर भी और अपने ब्रेन में भी। भाई देखिए ट्रिक्स, हो सकता है आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे ट्रिक, कल तो एक जगह लिखा था ट्रिक का बाप, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये ट्रिक का बाप है, तो मेरे पास ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, वो जानता हूँ बार बार पढ़ना, और तब तक पढ़ना तब जब तक कि वो सारी चीज़ें मेरे ब्रेन का हिस्सा ना बन जाए, मुझे ऐसा ना लगने लगे कि दिस इज अ कप ऑफ माई टी, चीज़ें मेरे लिए बहुत हैंडी हो जाए, बहुत ईजी हो जाए, बहुत आसान हो जाए, मैं तब तक उस चीज़ को बार बार पढ़ता हूँ। बुद्धू टाइप का हूँ थोड़ा सा, बेवकूफ़ टाइप का, चीज़ें बहुत देर से समझ में आती हैं, इसीलिए मैं पढ़ाई को बहुत समय देता हूँ, क्योंकि कुछ इंटेलिजेंट होते हैं 4 घंटे में 24 घंटे का काम कर जाते हैं, और मैं 4 घंटे का काम 24 घंटे में करता हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, बहुत वक्त किताबों के बीच गुजारता हूँ। तो आप वैसे ही करके लग जाइए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। अब मैं बात करता हूँ ग्रामर की बुक की। अब ध्यान दीजिए, ग्रामर की बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहला चैप्टर है नाउन का, और अगर आपने मेरी बुक से नाउन पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कोई पॉइंट कैसा भी छूटेगा नहीं। इंपॉर्टेंट है कोई पॉइंट, कोई नियम तो मेरी बुक में है, इसलिए मेरी बुक का नाम है एसेंशियल रूल्स। ये हर स्टूडेंट को, हर टीचर को पढ़ना चाहिए, सबके लिए बनी हुई। किसका जो नया एडिशन आएगा 1-2 महीने के बाद, वो केवल इंग्लिश में आएगा, इसमें थोड़ी सी हिंदी भी इंक्लूड हो गई है। शुरुआत में कुछ ब्रेन का सेटअप ऐसा था, बच्चों को ने कहा था सर उसमें हिंदी भी होनी चाहिए, तो कुछ जगह पर हिंदी भी हो गई है इसमें, लेकिन जो नेक्स्ट बुक आएगी, जब भी आएगी 1-2 महीने के बाद सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, वो सिर्फ इंग्लिश में होगी, उसमें हिंदी नहीं होगी। तो आप नाउन का चैप्टर यहाँ से पढ़ें, नाउन की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ें, और साथ ही में जो इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं कि इस ग्रुप को क्या कहा जाता है। एक बार आया था ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, और ग्रुप ऑफ पुलिसमैन को पॉसे कहा जाता है, POSSE। तो आप जानते हैं आपको ये चीज़ें लर्न करेंगे तभी आएगी, क्योंकि ये आपके रूटीन में नहीं है ये चीज़। मैंने एक मूवी देखी थी वेंसडे, अनुपम खेर की, उसमें वो कहता है कि एक ड्रिल के लिए बात करता है, तब कहता है आप 3-3 और 4-4 के ग्रुप्स में जाओ और जाके एक मॉक ड्रिल करो। तो मुझे, मेरे दिमाग में यही था कि पुलिसमैन के ग्रुप को ग्रुप कहा जाए, बैच कहा जाता है, बैचेस में जाओ, ये वर्ड यूज़ करता है 3-3, 4-4 पुलिसमैन के बैचेस में जाओ। तो मुझे लगा कि पुलिसमैन के ग्रुप को बैच कहा जाता है, लेकिन जब मैंने बुक्स पढ़ी, जब जाना, तो वो स्पेलिंग डिफरेंट है उसके ग्रुप के लिए। तो ऐसा कन्फ्यूज़न आपके लिए ना हो, तो आप उस चीज़ को अच्छे से लर्न करें। आप पूरा देख लीजिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स के ग्रुप्स के लिए क्या कहा जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद पढ़ लीजिएगा। कलेक्शंस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इन सब के कलेक्शंस को क्या कहा जाता है,
ये भी सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, पढ़ेंगे और एकदम रट जाएंगे आज रात तक। रात को तब सोने जाएंगे आप जब आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो सकें। फिर कुछ नाउंस भी एग्जाम में आपके आ चुके हैं। आपको कोई वर्ड दे दिया गया कि ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउंस कैसे फॉर्म होते हैं। इसकी भी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउंस एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस वर्ब से कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी हुई हैं। इसके साथ ही में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउंस, इनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इतनी सारी चीज़ें ग्रामर में आज आपको लर्न करनी है। और जो मेरी जो ग्रामर की बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। उसके जैसे जैसे एक एक चैप्टर करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कितनी बेहतर तरीके से इसमें दी गई हैं। इसके बाद में आप देखेंगे उस ग्रामर की बुक में कि इन सारी चीज़ों के बाद उसमें जेंडर वगैरह के बारे में लिखा है, जिसमें कि हो सकता है ये जो जेंडर का चैप्टर है इसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है मेल सेक्स से फीमेल सेक्स, किसकी फीमेल सेक्स को क्या कहते हैं, कि अगर मेल है बैचलर तो उसका फीमेल सेक्स क्या होगा, तो आप जानते हैं स्पिनस्टर होगा या मेल होगा। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी हुई हैं। इससे जुड़े हुए कुछ नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैस्कुलिन जेंडर से, फेमिनिन जेंडर से, कॉमन जेंडर से, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे अपनी नोटबुक पर, आप वीडियो को पॉज करके देखते रहेंगे, क्योंकि मैं एक एक करके अगर इन शब्दों को पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा और उतना समय नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि कैसे हम ई डबल एस लगाकर और कैसे कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके हम मैस्कुलिन जेंडर्स और इन सब में बदलाव करते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, जैसे ये अबॉट है, अबॉट का अबेस है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आप एटलीस्ट लिटरेचर में इतना और ग्रामर में जितना मैंने डिस्क्राइब किया है आपको, इतने पॉइंट्स आप रेडी कर लें। और किसी ट्रिक के पीछे मत भागिए, किसी चीज़ के पीछे आप चीज़ों को समझिए। अगर आपकी चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आपको किसी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको वो चीज़ें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, आपको पढ़ाना है आगे। ऐसा थोड़ी इस एग्ज़ाम के बाद अब चीज़ों को दिमाग से गायब हो जाने देंगे, नहीं, आपको समझना है और आपको समझना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे अगर समझेंगे नहीं चीज़ों को तो क्लासरूम में कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन पाने के बाद। तो आपको इतनी चीज़ों को आज समझना है, इतनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है जितना मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। और दोस्तों, एग्ज़ाम अगस्त में है, इस चीज़ को ब्रेन से मत निकालिएगा और एकदम लगे रहिए पूरी तरीके से, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आज उम्मीद है कि आप इतनी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे रात तक सोने से पहले। और मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप जहाँ आपका मन हो आप वहाँ स्किप कर दें, आपको इम्पोर्टेंट लगे कंटेंट्स तो आप ज़रूर पढ़ें।